हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि स्पाइस मनी में जो आप लोग दुकान पे जा रहे हो तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है मिस कर रहे हो, तो उस चीज़ को कैसे पूरा करना है और कैसे कितना कमीशन मिलता है, इंश्योरेंस पे कितना कमीशन कमाया जा सकता है, तो इस चीज़ की जानकारी जो है इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड जो लोग स्पाइस मनी में अभी तक काम कर रहे हैं उनको तो बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज ऑफ पेमेंट बहुत अच्छा खासा आ चुका है। तो आप लोग को कुछ दूसरे लोगों को भी मैं प्रूफ दिखाना चाहूँगा कि कितना कितना पेमेंट अभी तक उठा चुके हैं। इस चीज़ के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्टिंग में हम पहले जानते हैं कैश कलेक्शन के बारे में। तो कैश कलेक्शन में जो है कमीशन कितना मिलता है, उस चीज़ के लिए मैं आपके सामने एक पीडीएफ प्रेजेंट करूँगा। सो गाइस, जैसे कि जानते हो कैश कलेक्शन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका काम होता है बेसिकली आप दुकान पे सबसे पहले जब एंटर करते हो तब आप बोलो कि भाई आप कहाँ से आए हो। यानी कि जैसे कि मान लीजिए मैं आया हूँ आपके दुकान पे, तो मैं बोलूँगा हेलो सर, मेरा नाम है शुभम और मैं आया हूँ स्पाइस मनी की तरफ से, जो वर्केक्स के थ्रू आया हूँ, जो हमें प्रोजेक्ट मिला है, तो मैं उस चीज़ पे आपको नया चीज़ आया है उसके बारे में बताने वाला हूँ। नया चीज़ क्या है उस चीज़ के लिए बताऊँगा और साथ में आपके दुकान की ब्रांडिंग भी करके जाऊँगा, यानी कि आपके दुकान पर बैनर एंड पैम्पलेट देकर जाने वाला हूँ, जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस मैं आपसे नहीं लूँगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं। कस्टमर बोलेगा ठीक है, चलिए हम मुझे समझा दीजिए। तो सबसे पहले आप ये समझाएंगे उसको कि सर कैश कलेक्शन करेंगे तो अट्रैक्टिव यानी कि बहुत अच्छा कमीशन मिलने वाला है आपको, 0.12% का कमीशन, जो कि ऑलमोस्ट जितने भी आप लोन रिपेमेंट करोगे, जैसे गांव घर में आपको पता है, जैसा कि जानते हो कि भाई लोन वगैरह भरने के लिए लोगों के पास सब हर कोई पेटीएम फ़ोनपे गूगल पे नहीं चलाता, तो उस लोन को रिपेमेंट करने के लिए ये फैसिलिटी कैश स्पाइस मनी ने स्टार्ट किया है। इस चीज़ को आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से लाइव डेमो करके बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप उस प्रोसेस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। सो कस्टमर को आप ये यहाँ तक इतना बोल दिया तो कस्टमर बोला ठीक है भाई, 1 रुपये का डेमो ट्रांजेक्शन सर मैं करके बताने वाला हूँ और उसके कुछ फोटोज़ लेकर के कंपनी को देना होता है, क्योंकि प्रूफ रहेगा ना कि आपको समझाने आया था मैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमें जो है आगे यहाँ पर ये ज़रूरत पड़ने वाला है आपके डेमो करने के लिए, क्योंकि वर्केक्स का एक अलग ही बना हुआ है यहाँ पे। जैसे कि आप जान सकते हो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो हो, आप एम्प्लॉय आईडी वाले में EMPTST003 डालेंगे यहाँ पर। अब जैसे आप आगे आएंगे तो होम स्क्रीन पे ही आपको यहाँ पर जो है, आप चाहें तो स्पाइस मनी ऐप को यूज़ करके भी ये काम कर सकते हैं। सो इस चीज़ के लिए कैश कलेक्शन पर क्लिक करेंगे, कलेक्ट EMIs फॉर लोन्स, जो भी लोन वगैरह चल रहा है उसका EMI ईजिली कलेक्ट कर सकता है हमारा SMA यानी स्पाइस मनी अधिकारी। अब यहाँ पे आपको पूछा जाता है जबकि कि टेस्ट एजेंसी वर्केक्स, तो आपको कस्टमर को बताना है सर यहाँ पे लोन आईडी कस्टमर हमारा एक एजेंसी का लोन आईडी दिया गया हमें। सो वही चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करके डेमो बताऊँगा, क्योंकि आपको पैसा रिफंड भी आ जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सो इस चीज़ का आपको यहाँ पर टेस्ट एजेंसी वर्केक्स एक बार उनको बताना है कि सर यहाँ पर टेस्ट एजेंसी हमारी जो है वर्केक्स का चूज़ करेंगे हम यहाँ पे, देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। ऐसे आपका बजाज फाइनेंस हो, कोई दूसरा हो, कुछ भी हो, जो भी लोन हो, मित्रा एजेंसी है तो उस पर क्लिक करके आप लोन आईडी डालेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पर पहले टेस्ट एजेंसी वर्केक्स आ गया, सर्च टाइप में पूछा जाएगा दो टाइप का, ये चीज़ सिर्फ इसमें पूछा जाता है, बाकियों में इतना एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पूछा जाता है यहाँ पे। तो एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करके ये चीज़ अपन यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू में, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे हम लोग इस तरीके से। फिर कैश कितना महीने में आप कैश एक्सेप्ट करते हो कस्टमर से पूछ करके यहाँ पर उनको बता देना है कि ये चीज़ डालना रहेगा यहाँ पे। एम्प्लॉय आईडी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 डालेंगे, मोबाइल नंबर आप उनका भी डाल सकते हो या फिर आप अपना भी डाल के 1 रुपये डाल के यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। मेरा मानना है 1 रुपये के लिए आप अपना मोबाइल नंबर ही डालें एंड देन उसके बाद एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे करके यहाँ पर जो है आप इसको ट्रांजेक्शन कर दीजिए। OTP आपके नंबर पे चला जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो लोन भरेंगे तो कस्टमर के नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP डालना रहेगा यहाँ पे उनको एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। बस इतना सा काम करने का उन्हें जो है 0.12% कमीशन मिल रहा है, कस्टमर का 1 भी रुपया ज़्यादा नहीं जा रहा है यहाँ पर गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट। अब देख सकते हो इसका एक फोटो लेना रहता है, तो इसका एक फोटो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर मोबाइल में कर रहे हो, कस्टमर मोबाइल में भी ले लो। अगर आप ये चीज़ आप अपने मोबाइल में मतलब डेस्कटॉप में कर रहे हो तो इस चीज़ का फोटो हमें जो बॉट में अपलोड करना होता है तब जाके कीजिए, जब कस्टमर हाँ कर दे तो, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस पार्ट की। तो बोलना है सर आपको जो है अब एक और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि आप कस्टमर को बता सकते हो, ना कि वो आपसे मांग करवाने आएगा या खरीदने आएगा इंश्योरेंस वगैरह। तो बोला सर मैं भी इंश्योरेंस करके बता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक डेमो दिखाऊंगा, आपको बेचना है अपने कस्टमर्स को। तो स्पाइस मनी लाया है हॉस्पी कैश सुरक्षा का प्लान, यानी कि आप देख सकते हो स्पाइस सुरक्षा क्या है वो चीज़ बता देना है। ये एक इंश्योरेंस है वर्टिकली जो कि स्पाइस मनी ने बनाया है, जो कि आपकी टेंशन फ्री लाइफ को मतलब जो है करना चाहेगा।
यहाँ पे आपको मतलब जो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पे आपने बीमार पड़ गए तो उस केस में जो है पैसे ज़्यादातर आप वहाँ पे आपका तो रोज का इनकम रुक जाएगा, तो इनकम रुक जाएगा तो उसी के तौर पे आप यहाँ पे अगर आप हमारे सुरक्षा लेकर रखते हो यानी इंश्योरेंस सुरक्षा, तो उस केस में आप जो है यहाँ पर उस चीज़ का बेनिफिट उठा पाएंगे जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब बात करें यहाँ पर तो स्पाइस सुरक्षा जो है केयर हॉस्पिकेश प्लान जो है अपने सिर्फ ऐसे में लोगों को ही लिए लाया गया है, मतलब यानी वही लोग बेच सकते हैं दूसरा कोई नहीं। बहुत जल्द हम ये फ्यूचर में मोटर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी आने वाले हैं यहाँ पर। अब बेनिफिट क्या क्या रहेगा तो उनको लॉयल्टी पॉइंट यानी कि हर एक इंश्योरेंस सेल आउट करने पे जो हमारे ऐसे में है यानी स्पाइस मनी अधिकारी को बताना है कि आपको उस पर कमीशन मिलने वाला है, वो कमीशन कितना मिलेगा वही चीज़ हम यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग। बाकी ये जो है कोविड 19 और इलनेस के जो आपको कवर करता है आपके कस्टमर को, इसमें कोई पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और अच्छे से आप इसको बेच पाएंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल कौन होंगे। तो गाइज सिंपल सा फंडा है, 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक के जो भी हैं वो यहाँ पर पीपल्स यहाँ पे ये चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। मिनिमम बात करें तो 412 रुपये का वन टाइम प्लान है जिसमें 500 रुपीस पर डे के हिसाब से अप टू मतलब 6000 रुपये तक का बेनिफिट उठा सकते हैं, यानी कि मान लीजिए 12 दिन तक आप भर्ती हुए इस अस्पताल में, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लेट से कि एक बार को कोई एसएमए के ही भर्ती हो गया, अगर उसने भी ये चीज़ खरीदा होगा तो उस केस में उसको 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उसको मिलता रहेगा यहाँ पे। अब दूसरे प्लान की बात करें जो वन टाइम प्लान ही है 825 वाला, उसमें 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से 15000 रुपीज़ तक का बेनिफिट उठा सकते हैं आप। इसके अंदर एक वैल्यू एडेड सर्विस है जिसमें आपको ऑन कॉल फैसिलिटी मिलेगी, जब भी आप अपना इंजर्ड पर्सन को कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स के बारे में यानी कि कोई चीज़ कॉल पर पूछना है, डॉक्टर से बात करनी है अपने फेवरेट सिटी में ही, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर ये लोग अपने हिसाब से देख पाएंगे, मतलब बात कर पाएंगे कस्टमर से 24 आवर्स में ही आपको बात करा दी जाएगी। अब कस्टमर को पिच करने के लिए फाइनेंशियल लमसम जो है लॉस ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन से कोई लॉस वगैरह होता है तो 4 से 10 दिन के लिए तो उसको 6000 रुपये और 15000 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे लमसम उठा सकता है। डॉक्टर ऑन कॉल रहेगा यहाँ पे कंसल्टेशन, जो कि अच्छे अच्छे आपके सिटीज़ के डॉक्टर्स यहाँ पर रहेंगे जो कि आप घर पे रहकर ही इस चीज़ को बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, कोई भी यहाँ पर प्री मेडिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉलिसी जो है 5 मिनट के अंदर हाथ में आ जाती है अपने, और कोई भी बिल रिक्वायरमेंट नहीं है क्लेम सेटलमेंट करने के लिए। अब बात करें हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स की तो यहाँ पे स्पाइस मनी का कंपैरिजन किया है, पे नियर बाय का किया हुआ है और एयरटेल पेमेंट बैंक का किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो एक बार को यहाँ पे। इस चीज़ से वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा तो इसलिए मैं नहीं बताना चाहूँगा। लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे 10 लॉयल्टी पॉइंट का मतलब होता है 1 रुपया, जिसमें कि एसएमए को ये बताना है आपको कि 10 लॉयल्टी पॉइंट का मतलब 1 रुपया होता है, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा और भी अर्निंग कर पाएंगे इसमें। और भी नीचे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कमीशन पॉइंट कैसे मिलेगा हमें यहाँ पे। तो कमीशन का जो रहता है इसमें 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जो आपने 412 वाला है अगर उसको आप सेल आउट करते हो तो उस केस में जो है कस्टमर अगर पूरे मंथ में मान लीजिए लेट से 5 पॉलिसी उसने पूरे मंथ में सेल आउट करा तो उस केस में उस बंदे को 80 रुपीज़ के हिसाब से पर पॉलिसी मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसी को बढ़ा दिया थोड़ा सा 6 से 10 पॉलिसी बेची तो 100 रुपीज़ के पर हिसाब से मिलेगा, मतलब पर पॉलिसी। अगर उस बंदे ने मतलब उस एसएमए ने 11 से ज़्यादा पॉलिसी सेल आउट किया तो 120 रुपीज़ पर पॉलिसी के हिसाब से उसे मिलने वाला है। अब दूसरे चरण की बात करें 825 वाला यानी कि 1000 रुपीज़ पर डे वाला बेनिफिट जिसको हम वेरिएंट 2 के अंदर डाला है हमने, तो 0 से लेकर 5 पॉलिसीज अगर पूरे मंथ में बेचते हैं ऐसे में हमारे तो उनको 125 रुपये यहाँ पे कमीशन मिलने वाला है, जो कि 1250 लॉयल्टी पॉइंट आप 10 रुपये के हिसाब से देखने जाओ तो 125 होता है। 6 से 10 पॉलिसीज अगर पर मंथ में अगर ऐसे में हमारा बेचता है तो उस केस में उन्हें जो है 150 रुपीज़ पर पॉलिसी के हिसाब से मिलने वाला है। यहाँ पे 11 पॉलिसीज से लेकर और भी ज़्यादा पूरे मंथ में बेचते हैं तो 175 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप उन्हें ये समझाएं कि इतना ज़्यादा कमीशन है, जो भी मान लीजिए कोई कैश डिपॉजिट कराने आ रहा है, कोई आपके यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कोई बंदा बोल रहा है कि मुझे आप कैश कलेक्शन कर दीजिए, तो वो लोग को बताइए कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा कल को हो जाए, तो इसलिए जो है आप अपना पहले से तैयारी करके रखें, बीमारियाँ बोलकर नहीं आती है, तो ये चीज़ बताना है हमें। ठीक है, बाकी क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस की बात करें तो ये भी समझाना जरूरी है कि मिनिमम 24 घंटे का यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले 24 घंटे का यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम के लिए रिक्वायरमेंट है। कोई भी 5 से 10 बेडेड हॉस्पिटल या फिर 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला प्री क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ पर जो है क्वालिफाइड रहेगा इस चीज़ के लिए, यानी कि 5 से 10 बेड वाला कोई हॉस्पिटल है तो उस केस में वो बेनिफिट उठा सकते हैं। क्लेम इंस्टीमेशन की बात करें तो ये 15 दिनों तक के अंदर हो जाएगा जब आप डिस्चार्ज होते हैं हॉस्पिटल से। तब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो डिस्चार्ज समरी चाहिए होगा हमें, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जो कि मेल पे आया होता है वो, कैंसल चेक
और पासबुक फोटोकॉपी चाहिए होगी, ड्यूली फिल्ड क्लेम फॉर्म। पासबुक या चेकबुक इसलिए मांगा जा रहा है ऐप से कैंसिल चेक, ताकि उसमें क्लेम सेटलमेंट आपका जो है कर पाए लोग। और ड्यूली फिल्ड क्लेम फॉर्म ये मिल जाएगा आपको, उनके मेल पे आ जाता है। क्लेम पेमेंट का जो स्टार्ट है यानी कि 15 वर्किंग डेज में आपके सेटलमेंट हो जाता है यहाँ पे, जब आपका इंश्योरेंस पास हो जाता है तब। आप चाहो तो सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जो 4 डॉक्यूमेंट बताए हैं, उसको आप दिए गए एड्रेस पर भी भेज सकते हो या फिर हमारे कस्टमर केयर एड्रेस पर भी मेल कर सकते हो, ताकि हम आगे प्रोसेस बढ़ा सकें। बस अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो मैंने बोला था ना कि पेमेंट प्रूफ दिखाने का, तो पेमेंट प्रूफ मैं अभी आपको दिखाऊंगा कितना हमारे 7 से 12 दिन में हमारे FSC लोगों ने अर्न किया है। तो चलिए उस चीज़ के मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्क्रीन प्रेजेंट करके। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमारे पहले भाई साहब जो हैं जिन्होंने 13,090 रुपये कमाए हैं, उनका नाम नहीं बता सकता मैं, लेकिन हाँ इन्होंने कमाए हैं, ये रियल है एंड फेक नहीं है बिल्कुल भी गाइस। दूसरे पेमेंट की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो एक भैया ने सत्यनारायण करके हैं, उन्होंने 1360 रुपये कमाया है यहाँ पे। फर्स्ट जो थे मेजारदीन खान थे, जिनका नाम मैंने बता दिया है। अब तीसरे की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो 3230 रुपये हमारे जफरुद्दीन खान भाई ने कमाया है यहाँ पे। फिर एक और भाई है राहुल कुमार करके, उन्होंने 2 ऑनबोर्डिंग करी यहाँ पर, रिविजिट करी, उसका 340 रुपये कमाया उन्होंने। फिर हमारे एक और भाई साहब हैं जफरुद्दीन भाई, उन्होंने ही मतलब ये 3230 का प्रूफ भेजा है। अब 170 रुपये यहाँ पे अंकित शर्मा जी ने कमाया है। और बाकी के सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इतने मतलब प्रूफ फर्स्ट वीक के हमारे, तो इतना अट्रैक्टिव चीज़ें हमारे कंपनी में चल रहा है। बहुत जल्द ये सबके लिए ओपन होगा, ओपन फॉर ऑल होगा, तो आप लोग भी कमा पाएंगे। लेकिन आपको एक मन से लगन से काम करना है, कस्टमर के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करनी है, अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना है। तो बस आई होप आपको मेरा ये जो वीडियो पसंद आया होगा, मैंने बोला था लंबा नहीं होगा, बट थोड़ा समझाने में लंबा होता है ये वीडियो, आपको पता होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी इसमें कोई चीज़ की गलती हो गई तो माफ़ी चाहूँगा, कमेंट में आप लिख के मुझे बता सकते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, ताकि मेरे फ्यूचर में जो भी जॉब लाऊं तो आप सभी लोग अवेलेबल कर सको उस चीज़ को, बहुत काम आने वाला है गाइस ये चैनल आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक ज़रूर करते जाइएगा। प्लीज़ वीडियो को भी ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।